नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्या आपको वसीयत से, लॉटरी से अथवा अचानक धन की प्राप्ति कैसे होती है, तो अपने हाथों पे कैसे देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। सबसे पहले अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। हमारी हाथ की ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है, जीवन के हर एक्टिविटी के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हम किसी बात को कितने गहराइयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा एक प्रेम संचार के बारे में भी बताती है। तो आज हमने बात की है कि आप अपने हाथों में कैसे जाने या कैसे समझे कि हमारे भाग्य में वसीयत का, लॉटरी का अथवा अचानक धन प्राप्ति का संकेत कैसे दिखता है। सबसे पहले हमारी ये भाग्य रेखा, भाग्य रेखा हमारी शनि के माउंट पे, शनि के सर्कल को जो एरिया कवर करती हो, कोई भी रेखा निकले वो भाग्य रेखा का ही काम करती है। चाहे छोटी रेखा क्यों ना हो, चाहे बड़ी रेखा क्यों ना हो, अगर शनि के माउंट के नीचे वाले एरिया पे जाती है तो जीवन में देखें आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे धन आगमन के संकेत बनते हैं, या काम को, एक काम को छोड़ के दूसरे काम का करने का संकेत बनता है। तो वो हमारे शनि के माउंट के नीचे जितनी भी रेखाएं उत्पत्ति होंगी वो धन के संकेत के बारे में बताएगी। और जब भी कोई रेखा धन रेखा से निकले, ये धन रेखा से निकले और ये निकलकर सन के माउंट के ऊपर पहुंचे, अब निकलने का मतलब इस एज में हमारे जो धन मिलने का संकेत दिखा रहा है, धन का संकेत का जो सिंबल माना जाता है वो त्रिकोण माना जाता है। और त्रिकोण का सिंबल हाथ के हमारे यहां पर इस पर्वत के ऊपर बन जाए, इस रेखा के ऊपर बन जाए, या इसी मस्तिष्क रेखा के ऊपर यहां पे बन जाए। और जिस एज से हमारे जीवन रेखा से वो रेखा सन के माउंट के ऊपर पहुंची है, तो आप देखें उस स्थिति में, उस एज में आपको अधिक धन की प्राप्ति, कह लो लॉटरी से, आप कह लो वसीयत से, या अचानक से कई तरह के धन लाभ मिलते हैं, तो ये देखा जा सकता है। और कई बार क्या होता है, ये जो सन लाइन है हमारी, सन की लाइन जो हमारी है, अगर यहीं से और ये राहु के क्षेत्र से निकले, ये राहु के क्षेत्र से निकले, अगर राहु के क्षेत्र से देखें ये निकले, तो इसका मतलब क्या बनता है, ये हमारा राहु का क्षेत्र है और यहां पर एक स्टार बन जाए, ऐसे स्टार ऐसे बने कि उसको तीन लाइनों से काटा होना चाहिए या कटा हुआ हो, ऐसे ऐसे और ऐसी, ये स्टार है। और यहां से अचानक से एक सन रेखा निकले इसी स्टार से, या यहां से एक त्रिकोण से निकले, अगर त्रिकोण से निकलती है तो ऐसे लोगों को धन का लाभ तो अवश्य मिलता है, लेकिन अगर यहां से एक सूर्य रेखा जुड़ के निकल जाए और वो सन रेखा में जाके मिले, ऐसे लोगों को जीवन में 4 से 5 बार अधिक धन की प्राप्ति होती है, चाहे वो लॉटरी से हो, चाहे वसीयत से हो, चाहे किसी भी प्रकार के धन लाभ के बारे में संकेत बताती है। अगर ऐसे रेखा आपके हाथ में है तो देखिए आप जीवन में 4-5 बार धन का संकेत मिलेगा। अगर वो ट्रायंगल से निकल के चलती है तो अचानक से धन प्राप्ति के संकेत उसको भी बताती है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।